हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, और जो है सुबह का जो भी काम वाम होता है वो मेरा ख़त्म हुआ है। और आज मैं लेट जगी हूँ, 9:30 के करीब जगी हूँ मैं। जब दूध वाले आए हैं दूध लेकर, तब मैं जगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी सुबह आज खाना अपने आप ही बना के लेके चले। और यहीं पे मैं आग जलाई हूँ। ये जो ना हम तौलिया बांधते हैं, तौलिया में से धग्गा निकलता है ना, ये तो ये जैसे गंजे निकल जाता है तो उसमें से ये सब धागे निकलते हैं, तो ये धागा हम बेच देते हैं। आते हैं, एक अंकल जी खरीद के ले जाते थे, लेकिन इस समय वो नहीं आ रहे हैं, कई महीने से नहीं आ रहे हैं, तो वैसे ही रखा हुआ था। तो खैर अच्छा हुआ कि नहीं बिका, क्योंकि अभी ना ठंड में ये बहुत ही काम आ रहा है हमारे। कई दिनों से मैं यही जला जला के यही हाथ वाथ सेक लेती हूँ जब भी ना रहता है, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, तो इसीलिए जो है इसे जला के, थोड़ा ही जला जला के हाथ वाथ सेक लो अच्छे से, और उसके बाद अभी बिस्तर में चले जाओ तो फिर ठीक रहता है। और अभी नहाई हूँ ना, तो हाथ वाथ सेक रही हूँ और बाल भी ऐसे ही खोल रखी, बाल भी सुखा रही हूँ तो यहीं बैठे बैठे। और दाल चावल बना दी हूँ मैं, तो सोच रही थी सब्जी भी बनाना था, तो यहीं बैठे बैठे हाथ पैर भी सेक ले रही हूँ, और जो है इसे सब्जी को भी यहीं काट लूँगी। और वैसे ही जला के ना थोड़ा थोड़ा सा भी जला दो तो फिर सही रहता है। और आ गई हूँ मैं किचन में, अपना सब्जी बनाऊँगी। और परी को जो है खाना निकाल दी हूँ, अभी उसका ठंडा हो रहा है तो अभी उसे खिलाऊंगी मैं। और इतने अपना सब्जी जो है छौंक ले रही हूँ, तो एक ही आलू बना लेती हूँ मैं अपना, थोड़ा सा मटर था और आलू, आलू भी आज ख़त्म ही था, एक ही आलू मुझे बनाना भी रहता है और एक ही आलू आज था भी, एक ही आलू बस, तो वही बना रही हूँ मैं। और प्याज टमाटर यही सब तड़का दे के सूखी सब्जी बनाती हूँ मैं, बिना मसाले वसाले का, बस वही है थोड़ा सा मिर्च और हल्दी डाल के, वही हमेशा कई बार बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आप लोगों से, तो वही सब्जी अपना तड़का दे रही हूँ, लगा रही हूँ। और परी को भी नहलाई हूँ तो उसे बैठाई हूँ बेड पे, आराम से वो बैठ के अपना देख रही है टीवी। तो मतलब ठंड में बालकों को ना बाहर निकालना भी वो है, 3 दिन से आज उसे मैं 3 दिन हो गया स्कूल ही नहीं भेज रही थी, कल तो संडे था आज भी नहीं भेजी थी, और 2 दिन और नहीं भेजी थी, शुक्रवार और शनिवार उसका पेपर चल रहा था तो पेपर ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं 3 दिन हो गया स्कूल नहीं भेजी हूँ। हो सकता है कल भेजूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड ही है अभी, क्या बच्चा अभी बहुत छोटी है ना, इसीलिए तो नहीं भेजी हूँ मैं स्कूल, तो क्या करूँ आज। वैसे भी बिस्तर में ही बैठा के रख रही हूँ, बाहर भी नहीं निकलने दे रही हूँ उसे मैं, तो आज थोड़ा धूप है तो इसीलिए नहला दी हूँ। कई दिन हो गया था नहलाए भी उसे, 2-3 दिन हो गया था नहलाए, क्योंकि ना नहला के मैं तबीयत ख़राब नहीं करना चाह रही थी उसका, अभी तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर मैं परेशान हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए। और अभी इसको खाना खिला दे रही हूँ, मेरा सब्जी जो है वो हो रहा है, और अभी पानी भी नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। और इसे मैं खिला रही हूँ, क्योंकि इसे भूख लग गया है, बहुत देर से बोल रही थी मम्मी मुझे भूख लग गया है, तो कही हूँ चलो भाई भूख लग गया है, तो पहले मैं इसे खिला दे रही हूँ। अभी आए हैं थोड़ा सा हम छत पे धूप में, थोड़ी यार धूप ज़्यादा है तो थोड़ा सा धूप सेकेंगे, क्योंकि हम माँ बेटी दोनों नहाए हैं, सिर धुल धुल के है ना, सिर धुल के नहाए हैं, तो इसीलिए आए हैं अभी बैठने थोड़ी देर धूप में। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, कई दिनों से हवा चल रही थी, तो आज थोड़ा सा धूप हुआ है तो अच्छा लग रहा है छत पे आके। और ये बहुत बदमाशी करती है, बहुत और ये देखिए अपने आप सब नाच रही थी, कूद कूद के अपने आप ही गाना गा गा के नाच रही हैं, तो मैं क्या करी हूँ कि धीरे से चुपचाप बना रही थी वीडियो में, तो इन्हें पता चल गया है तो और भी लगी हैं सब नाचने, तो वही मैं देख रही थी।
और अभी आ गए हूँ मैं नीचे। ये कपड़ा कल का धुला हुआ कपड़ा था, तो कल ही ये सूख गया होगा, छत पे ही था तो मुझे पता ही नहीं था कि कपड़े धुले हुए हैं, जो कि हस्बैंड जी मशीन से धुल के और ये कपड़े डाल दिए थे कल, तो वो बताए भी नहीं मुझे कि कपड़ा धुल गया है, तो मुझे पता भी नहीं था। तो इसीलिए आज गई हूँ छत पे, तो देखी हूँ कि कपड़ा धुला हुआ है तो छत पे ही था, तो लेके अभी आई हूँ इसे नीचे। तो इसको जो है अभी तय करके रख दे रही हूँ, और ये पता नहीं क्यों इतना तेज़ लाइट आ गया है, वही मैं इसमें देख रही थी, बहुत तेज़ लाइट आ गया था। तो अभी इसे तय करके रखूँगी, और परी अभी जो है छत पे ही है, अभी कपड़े का तय करके रख दे रही हूँ दी हूँ। और अभी आटा है ना, उसे चल रही हूँ रखूँगी, आटा पिसवा के लाए थे कल हस्बैंड जी, कल संडे था तो कल घर पे ही थे, तो वो पिसवा के लाए थे कल, तो उसे ही रखूँगी अभी डिब्बे में। और परी अभी छत पे ही है, धूप है तो मैं भी नहीं लेके आई हूँ, मैं सोची हूँ चलो धूप है तो रह लेगी वहीं छत पे ही। और पता मैं बताऊँ, 3 साल से मतलब जब से परी हुई है तब से मेरा तबीयत कभी महीने में ठीक रहता ही नहीं है, मतलब महीने में कभी 2-4 दिन ऐसे चले जाते होंगे कि मैं दवा नहीं खाती होगी, नहीं तो जो मेरा एक बीमारी ठीक होता है दूसरा बीमारी मेरा चालू हो जाता है। तो देखिए जैसे 15-20 दिन तक खांसी से इतना ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा परेशान थी कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी खांसी से, और खांसी जैसे ही ठीक हुआ वैसे ही कम से कम 5-6 दिन से सिर में इतना ज़्यादा दर्द, बस इतना ही दूर, ज़्यादा नहीं, बस इतना दूर, जैसे ना इतना ही दूर जैसे किसी ने किसी चीज़ से भारी चीज़ से मार दिया हो, और इतना दर्द, इतना मतलब मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था, घर का काम भी नहीं हो रहा था ज़्यादा, आधातर काम तो मतलब खाना वाना बनाने का तो हस्बैंड जी कर दे रहे थे आधा से ज़्यादा काम, तो मतलब इतने तो हैं अच्छे जो कि मतलब मेरा हेल्प कर देते हैं, और दुख तकलीफ होता है तो समझते हैं, तो बहुत परेशान थी मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं रोज़ दवा खा के परेशान हो गई थी, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आराम है आज, मतलब आज भी नहीं आराम है लेकिन बस थोड़ा सा है, जो कि ना सिर उर में दर्द रहता है तो आँखों से पता चल जाता है, तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा मेरा आँख ऐसे भारी भारी सा हो रहा है, लेकिन कई दिन हो गया था ब्लॉग भी नहीं बना रही थी कुछ भी, मतलब बिस्तर से उठ ही नहीं रही थी, तो ब्लॉग क्या बनाना, घर का काम क्या करना, कुछ भी नहीं, लेकिन आज फाइनली थोड़ा थोड़ा सा ठीक था तो मैं अपने कामों में लग गई हूँ। और अभी आटा भी रखूँगी, आटा भी रखना बहुत ज़रूरी है डिब्बे में, नहीं तो फिर वैसे ही रह जाएगा खट्टे में। तो और अभी बनाई हूँ, शाम का टाइम हो गया है चाय, और परी को देखिए चुपचाप मैं देख रही हूँ, यहाँ पे ना टीवी में गाना चल रहा है तो इसका नाचना देखिए, अभी ये बहुत बहुत बदमाशी करने लग गई है बहुत ज़्यादा, और आग भी जलाई थी। तो ये देखिए परी मुझे तंग कर रही है, और अभी बिस्तर में पड़ी हूँ मैं, इसे लेके कहीं जाने नहीं दे रही हूँ, ना तो ये टोपा लगा रही है ना कुछ कर रही है। और ये देखिए जब इसका शिकायत करती हूँ ना तो प्यार करने लगती है मुझसे कि मतलब मम्मी मेरा शिकायत नहीं करेगी, और ऐसे परेशान करेगी तो मैं इसके पापा से बोली हूँ चीज़ लाने के लिए, बोल दूँगी कि नहीं लाएंगे इसका चीज़ नहीं लाएंगे। और अभी खाना बनाऊँगी, थोड़ी देर बाद बनाऊँगी मैं, चूल्हे पे बनाऊँगी आज खाना, मेरा मन कर रहा है, थोड़ा सा लकड़ी है तो चूल्हे पे ही बनेगा, हस्बैंड जी बोल रहे थे तो अभी सब्जी उब्जी लेके आएंगे तो बनेगा और हो जाएगा शाम। तो वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, छोटा सा वीडियो बनाई हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा भी लगे तो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। अभी ऐसे ही वीडियो जाएगा, रुको बेटा बात करने दो मुझे, बात कर लें दो। तो चैनल पे जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। और मेरा दूसरा चैनल है जो कि मीरा कपिल स्टोरी, जिसे स्टोरी सुनना पसंद है वो, उससे भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। तो उस पर वह टाइम कंप्लीट हो गया है, बस सब्सक्राइबर की कमी है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए उसे, तो उसे भी पूरा हो जाएगा वो भी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा, बाय 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 बाय।